मैं हूं महेश प्रसाद और आज मैं आपको पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पुल का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। हम लोग इस लेसन का ट्रांसलेट पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश प्रोज से पूछा जाएगा उसमें पहला क्वेश्चन होगा, आपके पेपर का पहला क्वेश्चन होगा, पैसेज दिया होगा और पैसेज के नीचे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन दोनों का आंसर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर के होंगे, आपको चार नंबर पैसे से मिलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 जो कि द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनादर व्हाट रिसीव्स माइन इन डेंजर, यहाँ से ले करके आगे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्रैग एक्स्ट्रा और आगे आप देखते जाएँ, लास्ट लाइन इस पैराग्राफ का है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। तो यहाँ से पैराग्राफ 3 जो है द वॉयस पुट क्वेश्चन से लेकर के रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट तक है, इसमें कुछ क्वेश्चन का मैं चर्चा करूँगा। तो इसे क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यूज माइन इन डेंजर, यानी कि खतरे में आदमी की रक्षा कौन करता है, तो इसका आंसर है कारेज रेस्क्यूज माइन इन डेंजर, खतरे में साहस आदमी की रक्षा करता है। व्हाट डज अ मैन गेन विजडम, मनुष्य को बुद्धिमत्ता कैसे प्राप्त होती है, तो जैसा कि आपने पढ़ा है उसमें ए मैन गेन्स विजडम इन एसोसिएशन विद अ ग्रेट एंड वाइज पीपुल, यानी कि एक आदमी महान और बुद्धिमान लोगों के संगत में आने से बुद्धिमान होता है, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्विफ्टर दैन विंड, हवा से भी तेज क्या होता है, तो आंसर है माइंड इज स्विफ्टर दैन विंड, मन हवा से तेज होता है। व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया क्या होता है, तो अ सारो स्ट्राइक एन हर्ट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी कि एक दुखी हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एंड वाइफ वेयर द आंसर्स टू यक्ष क्वेश्चन, यानी किन संदर्भों में ज्ञान और पत्नी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर थे, तो ज्ञान जो चुकी है लर्निंग इज अ फ्रेंड ऑफ गुड ऑफ अ ट्रेवलर, यानी कि ज्ञान एक यात्री का साथी होता है, वाइल जबकि वाइफ इज अ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, पत्नी एक मित्र होती है उस व्यक्ति की जो घर पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुक दो, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज सॉलिटरी जर्नी एज मेंशनड इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में वर्णित एकांकी यात्रा क्या है, अकेला यात्रा क्या है। व्हाट एकॉम्पनीज अ पर्सन इन दिस सॉलिटरी जर्नी, कौन साथ होता है एक व्यक्ति के इस अकेली यात्रा में, तो इसका जवाब है द सॉलिटरी जर्नी दैट इज मेंशनड इन द पैसेज इज डेथ, यानी कि एकाकी यात्रा जो है वह पैसेज में जो उल्लेख किया गया वह मृत्यु है, और उसके बाद में धर्म एकॉम्पनीज अ पर्सन इन दिस पैसेज इन दी सॉलिटरी जर्नी, धर्म इस अकेली यात्रा में एक आदमी के साथ होता है। और अगला क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट वेसल एंड व्हाई, सबसे बड़ा पात्र क्या है और क्यों, तो द अर्थ इज द बिगेस्ट वेसल, पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है, बिकॉज क्योंकि इट कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ, क्योंकि यह अपने अंदर सब कुछ समाहित करती है। इस पैसेज का अंतिम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हाट इज हैप्पीनेस, युधिष्ठिर के अनुसार प्रसन्नता क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया था इस पैसेज में अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर गुड कंडक्ट, यानी कि प्रसन्नता हमारे अच्छे परिणाम का, हमारे अच्छे आचरण का परिणाम है। तो तीसरे पैसेज को हम लोग देख चुके हैं, इसके आंसर को समझ चुके हैं, अब इसके बाद ठीक पैराग्राफ नंबर 4 को हम देखेंगे जो कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप से शुरू होते हुए आगे आप देखते जाएं या दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर तक है। इस पैसेज पर आधारित जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर बता रहा हूँ, आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं, हाउ कैन अ मैन बी लवेबल टू ऑल, किस तरह से एक आदमी सबका प्रिय हो जाता है, तो जवाब है बाय गिविंग अप प्राइड, यानी घमंड को। तो हाउ कैन अ मैन बी लवेबल टू ऑल, मनुष्य सबका प्रिय कैसे बन जाता है, तो बाय गिविंग अप प्राइड, घमंड को छोड़ देने से ए मैन कैन बी लवेबल टू ऑल, सबका प्रिय हो जाता है। अगर घमंडी आदमी है तो किसी का प्रिय नहीं होगा, आप अपने व्यवहारिक
हिसाब से समझ सकते हैं। हाउ इज एंगर रिलेटेड टू जॉय एंड सारो बोथ, क्रोध आनंद और दुख दोनों से कैसे संबंधित है, क्योंकि आंसर देखिए एंगर इज रिलेटेड टू जॉय एंड सारो, क्रोध खुशी और दुख दोनों से संबंधित है। बाय गिविंग अप एंगर, क्रोध को छोड़ देने से वी फील ओनली जॉय, हमें खुशी मिलती है, एंड विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, और हम दुख से पीड़ित नहीं होते। यानी कि यह क्वेश्चन है कि हमें क्या छोड़ देने से आनंद प्राप्त होता है, दुख नहीं, तो वह है कि एंगर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज अ मैन बिकम रिच, एक आदमी धनी कैसे होता है, तो बाय गिविंग अप डिजायर, लालच को छोड़ करके अ मैन बिकम्स रिच, एक आदमी धनी होता है। क्वेश्चन नंबर चार है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक व्यक्ति को असली ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, तो आपने पढ़ा है गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, अच्छा आचरण एक व्यक्ति को असली ब्राह्मण बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी, यानी कि जन्म और ज्ञान से नहीं, कितना भी एक व्यक्ति ज्ञाता हो जाए ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अप हिज बैड हैबिट, बिना अपने गंदे आचरण को छोड़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन पांचवा है, व्हेन इज अ मैन कंसिडर्ड इन लोअर क्लास, एक आदमी निम्न वर्ग में कब माना जाता है, जब बैड कंडक्ट का होता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट इज कंसिडर्ड इन लोअर क्लास, एक व्यक्ति जो गंदे आचरण वाला होता है वह निम्न वर्ग का माना जाता है, एवन दो भले ही he may be learnt in the four Vedas, भले ही वह चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए। तो अगला लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से नंबर चार का है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो एवरी डे वी सी पीपुल डाइंग, प्रत्येक दिन हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, विच इज द एंड ऑफ ऑल, जो सबका अंत है, एट फिर भी दो जू रिमाइन, जो जीवित हैं वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। अब अगला लास्ट पैराग्राफ हम लोग जो इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे, पैरा नंबर छः, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर से लेकर के, यहाँ से लेकर के देखिए आई एम अलाइव असन आप कुंती से होते हुए लास्ट में आपको मिलेगा देन ही डिसअपियर्ड तक, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यह 2018 2016 2013 2011 में पूछे गए हैं। तो हम लोग सीधे इसके क्वेश्चन पर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द स्पेशलिटीज ऑफ अर्जुन एंड भीम, अर्जुन और भीम की क्या विशेषताएँ थी, तो बोथ भीम एंड अर्जुन वेयर माइट्री ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बड़े शक्तिशाली भाई थे। भीम हैड गॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम के पास 16,000 हाथियों का ताकत था, व्हाइल अर्जुन वाज अ ग्रेट फाइटर, जबकि अर्जुन एक बहुत बड़े धनुर्धारी थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यक्ष प्लीज विथ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हो गए, तो द यक्ष वाज प्लीज विथ युधिष्ठिर जस्टिस एंड इम्पार्टलिटी, यानी उनके न्याय और निष्पक्षता से प्रसन्न हो गए, एज ही चूज नकुल, क्योंकि उन्होंने नकुल को चुना टू बी रिवाइव्ड, जीवित कराने के लिए इन प्लेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, भीम या अर्जुन के स्थान पर। व्हाट इज द ट्रू शील्ड ऑफ मैन एंड वाइफ, एक व्यक्ति का सच्चा ढाल क्या होता है और क्यों, तो इस पर है कि धर्म इज द ट्रू शील्ड ऑफ मैन, धर्म एक आदमी का सबसे अच्छा ढाल होता है, सबसे सच्चा ढाल होता है विकास, क्योंकि इफ धर्म इज गिवेन अप, अगर धर्म छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया जाएगा, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर चार है, हु वेयर द टू विप्स ऑफ द फादर ऑफ युधिष्ठिर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, युधिष्ठिर के पिता की दो पत्नियां कौन कौन थीं, तो द टू विप्स ऑफ द फादर ऑफ युधिष्ठिर वेयर कुंती एंड माद्री। इसके बाद क्वेश्चन है, हु वाज नकुल कौन थे, तो नकुल वाज द सन ऑफ युधिष्ठिर सेकेंड मदर माद्री, नकुल युधिष्ठिर की दूसरी माँ यानी कि पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। हाउ डिड युधिष्ठिर मेक द स्केल ऑफ द जस्टिस इक्वल, युधिष्ठिर ने न्याय के पलड़े को किस तरह से बराबर किया, तो यहाँ पर आंसर है विशिंग नकुल टू बी अलाइव, यानी नकुल को जीवित कराने की जो इच्छा है, युधिष्ठिर कैप्ट द स्केल्स ऑफ द जस्टिस, यानी कि नकुल को जीवित करा करके युधिष्ठिर ने न्याय के पलड़े को बराबर किया, एज नकुल वाज माद्री सन, क्योंकि नकुल माद्री के बेटे थे, और इसके पहले आपको पता है कि युधिष्ठिर जो कि कुंती के बेटे हैं वो जीवित हैं, अगर माद्री के बेटे जीवित हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। इन दिस वे इस तरह से बोथ ऑफ हिज मदर्स विल हैव सन, दोनों माओ
के पास बेटा हो जाएगा। लास्ट अगला सातवां क्वेश्चन, हाउ वाज यक्ष इम्प्रेस, यक्ष कैसे प्रभावित हो गए, व्हाट डिड ही ग्रैंट युधिष्ठिर इन द एंड, और उन्होंने अंत में युधिष्ठिर को क्या अनुमति दी, क्या अनुदान दिया। तो द यक्ष वाज इम्प्रेस्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से प्रसन्न हो गए, सो ही ग्रांटेड हिम, इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया दैट कि ऑल हिज फोर ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके चारों भाई जीवित हो जाएं। तो इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका आठवां, हुआ द यक्ष एक्चुअली, यक्ष वास्तव में कौन थे, व्हाई डिड ही टेक द बॉडीलेस वॉइस बॉडीलेस फॉर्म, और वह अदृश्य रूप क्यों धारण किए। तो आंसर है द यक्ष वाज एक्चुअली द यामा, यक्ष यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान। उन्होंने क्यों रूप लिया था यक्ष का, ही टुक द बॉडीलेस फॉर्म, उन्होंने बॉडीलेस रूप लिया था, अदृश्य हो गए थे, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन, पैसेज में इसका क्या मतलब है, स्ट्रेंथ और इम्पार्टिलिटी, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, इसका मीनिंग है पावर, इम्पार्टिलिटी इसका है इक्वेलिटी, इम्पार्टिलिटी निष्पक्षता, इक्वलिटी यानी समानता। तो आप इस पैसेज में पढ़ चुके हैं, पैसेज से क्वेश्चन आंसर अगले अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।